दोस्तों पीएम सूर्योदय योजना 2024, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आपको पीएम सूर्योदय योजना आपको जो घर में आपको जो है एक सोलर पैनल लगाया जाए, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप भी 300 यूनिट का जो है बिजली का यूज लेना चाहते हैं, अगर आपको जो है फ्री सोलर योजना जो है सूर्य योजना मोदी सरकार ने जो है अयोध्या से लौटने के बाद इस योजना की घोषणा की है, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप भी जानते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे आवेदन होगा, उसके बाद आपका जो 1 करोड़ घरों को जो है आपको फ्री सोलर योजना मिल रहा है उसमें आपका कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आपको लाभ मिलेगा, कितने व्यक्ति को लाभ मिलेगा, कितने जो है कितनी राशि बांट दी गई है, कैसे आवेदन हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पीएम सूर्योदय योजना का लाभ लेना तो पीएम सूर्योदय का नाम बदल के मोदी सरकार ने इस योजना का नाम जो है पीएम सूर्य घर का जो है बदल कर रख दिया। उसके बाद अगर आप मुक्त बिजली लेना चाहते हैं, अगर आप इसमें मुक्त बिजली लेना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना का अगले सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये का बजट बनाया है, जिसमें लक्ष्य 1 करोड़ लोगों को जो है 300 यूनिट तक मुक्त बिजली फ्री दी जाएगी, जिसमें सरकार लोगों ने सोलर पैनल की लागत लगाने का बोझ भी डालेगी, मतलब कि जो है आपकी छतों पर सोलर पैनल लगाएगी। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपको कैसे आवेदन होगा, तो पीएम सूर्य योजना के तहत पीएम गुरुओं के घरों में आपको एक मुक्त बिजली योजना लगाई जाएगी, जिसमें आपको कैसे आवेदन करोगा, तो इसमें आपको जो बजट में क्या क्या लॉन्च किया गया है, तो इसमें आपको यहाँ देख सकते हैं पीएम सूर्य योजना में क्या क्या निकला गया है। तो आप यहाँ देखते हैं कि पीएम सूर्योदय योजना का आपको लाभ पाना, तो इस स्कीम में आपको क्या क्या ऐसे आवेदन करना होगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको जो पीएम सूर्योदय योजना में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो पीएम सूर्योदय योजना का आपको लाभ पाना, अगर आप शहरी क्षेत्र इलाके में या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आप इन लोगों को सरकार की जो नई स्कीम आई इसमें अगर आप लाभ लाना चाहते हैं, कल्याण योजना जो है आप इसमें लाभ लेना, तो इस योजना में आपको जो गरीब वर्ग या मध्य वर्ग को जरूरतमंद लोगों को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप गरीब वर्ग में आते हैं, आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आप मध्य वर्ग में आते हैं, जरूरतमंद लोग हैं, इसी कड़ी योजना में प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी 2024 की इस योजना का जो बहुत बड़ी घोषणा की है। अगर आप भी प्रधानमंत्री सूर्य योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इसमें आपको बिजली बिल में जीरो से करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगर आप इस योजना में पात्र बनना चाहते हैं, सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो इसमें क्या क्या जानकारी, इसमें कैसे लाभ मिलेगा, उसमें आपको क्या क्या कैसे डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसमें कौन कौन से लोग आप पात्र बन सके, किस को इस योजना का लाभ मिल सकता है, तो पीएम सूर्योदय योजना के अंतर्गत आप लोग पात्र बनना चाहते हैं जिसको लाभ मिले। अगर आप गरीब वर्ग में आते हैं या मध्य वर्ग के लोग में आते हैं जिनकी वार्षिक आय 1 या 1.5 लाख से कम है, यानी कि आपको जो वार्षिक आय जो आपकी 1 लाख से या 1.5 लाख से कम, आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, नहीं तो आपको सरकारी नौकरी, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। उसके बाद आपको कैसे आवेदन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो अगर आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने का उद्देश्य है। अगर आपको सोलर पैनल लगा हुआ नहीं है, तो आप एक सोलर पैनल लगाओ, इसमें आपको 1 करोड़ लोगों को जो इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें हर एक महीने में आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जिसमें आपको जो लाभार्थी को जो आपको 300 यूनिट आपको फ्री बिजली दी जाएगी, तो इसमें आपको कैसे डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आवेदन होगा, तो स्टेप वन में आपको आवेदन कैसे होगा, अगर आप भी इस योजना में जुड़ना चाहते हैं, इसमें जो है आवेदन करना चाहते हैं, आपको जो है सोलर जो ऑफिशियल साइट है आपको उस पोर्टल पर, इस पोर्टल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। फिर आपको उस पोर्टल पर आपको क्लिक करना और आपके राज्य का चयन करना चाहते हैं, उसके बाद इस पोर्टल पर आपको जो है घर के बिजली का बिल का नंबर, आपको जो बिजली बिल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेप टू में आपको जो है अपने फिर से अपने बिजली बिल के बाकी जानकारी जो भरें और सोलर पैनल की जानकारी भी भर दें, उसके बाद उसकी छत की लंबाई लंबाई चौड़ाई आपको कितनी छत है उसकी लंबाई चौड़ाई भी भरनी पड़ेगी। उसके बाद सोलर पैनल को आवेदन करने के बाद सब्सिडी के द्वारा भेज भी जाती है, जो आपको सोलर पैनल रजिस्टर कर उसको आपको जो सब्सिडी आपके खाते में भेज दीजिए, उसमें जो है आपके जो खाते के डॉक्यूमेंट्स में आपको वो भी जानकारी भरी जाएगी। तो अगर आप भी सूर्य योजना में आवेदन करें, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप उसे जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, कैसे आवेदन होगा, आवेदन के लिए पास आपको जो एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसको आपको जो आप जहाँ रहते हैं उसका आपको एड्रेस भी होना चाहिए, उसका आपको जो बिजली बिल है उसमें आपको जो बिजली प्रयोग कर रहे हैं उसमें बिजली बिल का नंबर भी होना चाहिए, उसको आपको जो बैंक पासबुक है वो आपके पास होनी चाहिए, उसका पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए, उसके बाद आपको एक राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स भी होने जरूरी हैं जब भी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको जो पीएम सूर्योदय योजना की जो ऑफिशियल साइट आपको उस पर चले जाना है, उसके बाद आप सूर्योदय जी जो ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करके और उसे आप रजिस्ट्रेशन करके मोबाइल नंबर से अपने डॉक्यूमेंट डाल के जो है अपने स्टेट उसे डाल के आपने जो है यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके उसका लॉग इन करके जो है पीएम सूर्योदय योजना में आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप 300 यूनिट जो फ्री बिजली का लाभ ले सकते हैं। अगर आप भी जानते हैं पीएम सूर्योदय में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जो मैंने बता दिया कि आपको जो है आधार कार्ड आपको जो दस्तावेज अपलोड होने चाहिए जब भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जानते हैं कि आपको पीएम सूर्योदय योजना में पात्रता के लिए आपको दस्तावेज क्या क्या लगेगा, मैंने बता दिया कि आपको लाभार्थी के पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद आपको लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद लाभार्थी का नाम जिसका बिजली का बिल है उसके जो आपको डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद फोन नंबर आपको जो आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक वो होना चाहिए, उसके बाद बैंक की
पासबुक होनी चाहिए, उसके बाद लाभार्थी के पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, उसके राशन कार्ड के बीपीएल का कार्ड होना चाहिए, जब भी आप जो है इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पीएम सूर्योदय योजना में लाभ लेना चाहते हैं आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको जो 1 करोड़ लाभार्थी में आप लाभ पा सकते हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली का जो है लाभ ले सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पीएम सूर्योदय योजना जो ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉग इन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भरने वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पीएम सूर्योदय योजना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप भी पीएम सूर्योदय योजना का डॉक्यूमेंट लेंगे। सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताया, क्या आवेदन हो, कैसे आप जो है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, कितने लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, कितने यूनिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी जानकारी बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल शेयर करना ना भूलें।